हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस में। दोस्तों आज की सीरीज में हम लोग लेके आए 12 बोर्ड एग्जाम 2022 में जो आपका फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है उसी के लिए दोस्तों आज की सीरीज में हम लोग वीवीआई क्वेश्चन को लेके आए हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रश्न को करेंगे आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, यहीं से दोस्तों सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में सीधे आपके प्रश्न पत्र में, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग क्या कीजिए, एक एक प्रश्न का फटाफट आंसर दीजिए, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने प्लीज इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत रिवाइज कीजिए, तभी दोस्तों ये वीडियो देखने का आपको फायदा होगा, अन्यथा दोस्तों आप ये सारे प्रश्न को एक या दो दिन में भूल जाओगे, ठीक है। काफी कम समय बचा है तो प्लीज आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चे गलती करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि बुलियन व्यंजक जो आपका दिया हुआ है वाई बराबर ए प्लस बी, आपने एंड गेट में, नॉर गेट में, नंद गेट में पढ़ा होगा वाई बराबर ए प्लस बी, जैसे कि हम लोग जानते हैं। अगर आपको पूछे कि एंड गेट में जो बुलियन व्यंजक होता है वो क्या होता है, तो दोस्तों एंड गेट में जो है वो होता है डॉट वाला, ठीक है, ए डॉट बी बराबर वाई। अगर आपको पूछ दे कि और गेट में क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि और गेट में जो है ए प्लस बी बराबर वाई होता है, ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट होता है, आपको पता होगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि वाई बराबर ए प्लस बी दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, तो बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि आंसर लगा देंगे ये y बराबर a तथा b के योग के, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है, ठीक है। दोस्तों यहां पर जो है आपका प्लस नहीं है, ये कोई दूसरा निशान है, ठीक है। तो आपको सिंपल आंसर क्या लगाना है, जब भी इस तरह का प्रश्न पूछे तो आपको आंसर लगाना है y बराबर a तथा b के, यानी कि ये y बराबर है a और b के नहीं, a तथा b के, ठीक है, a और b के योग के नहीं। यहां पर प्लस का मतलब योग नहीं होगा, यहां पर तथा a तथा b के होगा, तो राइट आंसर आपके ऑप्शन a हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के उत्सर्जन में बामर श्रेणियां होती है, यानी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो बामर श्रेणियां होती है वो किसमें होती है, दृश्य परिसर में, अलग क्षेत्र में या फिर पराबैंगनी परिसर में, इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप लोग आंसर देते जाएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बिल्कुल फर्स्ट के जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएंगे दृश्य परिसर में, जो दोस्तों हम लोगों को दिखता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो उत्सर्जन बामर श्रेणियां होती है वो हम लोगों को दृश्य परिसर में दिखता है, राइट आंसर आपके फर्स्ट का ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर टू, रिडबर्ग नियतांक आर एवं प्रकाश की चाल सी हो तो आरसी का मात्रक होगा, यानी कि आपको क्वेश्चन क्या पूछा कि रिडबर्ग नियतांक जो है आपका दिया हुआ कितना है कैपिटल आर, और प्रकाश की चाल आप जानते हैं सी होता है, तो आरसी का जो मात्रक है वो क्या होगा। बिल्कुल इसके जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएंगे पर सेकेंड, ध्यान रखिएगा ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कभी कभी दोस्तों ये आपको इस तरीके से डिनोशन देगा तो ये भी आपका सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, लेजर की क्रिया के लिए जरूरी है, आपको क्वेश्चन पूछा गया ये जो लेजर की क्रिया है उसके लिए जरूरी है क्या, संख्या परिवर्तन, उच्च ताप या फिर निम्न ताप या फिर अर्धचालक। थर्ड की जो राइट आंसर दोस्तों बिल्कुल आपके हो जाएंगे वो है संख्या परिवर्तन, ठीक है। तो लेजर की क्रिया के लिए जो जरूरी है वो क्या है, वो है संख्या परिवर्तन, राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर फोर, बोर परमाणु मॉडल सफल व्याख्या करता है, यानी कि क्वेश्चन क्या पूछा, ये जो बोर परमाणु मॉडल है वो मुख्य रूप से सफल जो व्याख्या करता है किस चीज का, रेखीय स्पेक्ट्रम का, सतत स्पेक्ट्रम का, आवर्त स्पेक्ट्रम का या फिर सभी का। फोर के जो राइट आंसर है बिल्कुल आपके हो जाएंगे वो है रैखिक स्पेक्ट्रम का, ऑप्शन आपके ए करेक्ट आंसर आएंगे, ठीक है। तो बोर परमाणु मॉडल जो है वो किस चीज का व्याख्या करता है, रैखिक स्पेक्ट्रम का, राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर फाइव, यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है, अगर दो चार्ज की दूरी को बढ़ा देंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आवेशों की जो विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होगा, यानी कि ये दोनों चार्ज है अगर इसके बीच की दूरी को हम लोग बढ़ा दिए तो इसके बीच जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा या फिर क्या होगा। फाइव की जो राइट आंसर बिल्कुल आपके हो जाएंगे दोस्तों वो है बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, क्योंकि मैंने आपको करवाया था कि देखिए चार्ज पर डिपेंड करता है, अगर यहाँ पर प्लस प्लस हुआ तो कुछ और होगा, अगर माइनस प्लस हुआ तो कुछ और होगा, ठीक है। तो यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों की विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का जो मान है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर सिक्स, किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है, आपको क्वेश्चन पूछा कि कोई संधारित्र है उसकी जो धारिता है वो किसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है, आपने पढ़ा होगा प्लेट का क्षेत्रफल का, प्लेटों के बीच माध्यम की पराविद्युतता का या फिर प्लेटों के बीच की दूरी का, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सिक्स के जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे वह प्लेटों के बीच माध्यम की पराविद्युतता का। मैंने आपको कहा था कि अगर दो समांतर संधारित्र होगा तो उसके बीच अगर हम लोग पराविद्युतता यानी कि अगर हम लोग डायलेक्ट्रिक को रख देंगे, कोई भी चीज को रख देंगे, तो उसका जो धारिता है संधारित्र की जो धारिता है वो क्या होता है बढ़ता है, ठीक है। और अगर वहीं पे कम करेंगे दूरी को बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा घटेगा। तो वही चीज यहां पर बता रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता अगर व्युत्क्रमानुपाती होती है यानी कि इन प्रोपोर्शनल होती है तो दोस्तों इसका जो है यानी कि प्लेटों के बीच का जो माध्यम है उसकी पराविद्युतता क्या होती है, बिल्कुल वो यानी कि प्लेटों के बीच के माध्यम की पराविद्युतता जो है किसी संधारित्र की धारिता की क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो राइट आंसर इसके आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपके सेवन आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर,
किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बनाने के लिए, आपको क्वेश्चन पूछा कि किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बनाने के लिए क्या करना चाहिए, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहिए, इसकी धारा को घटाना चाहिए, इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए, या फिर इनमें से कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए, यानी कि इनमें से कोई नहीं। 7 के दोस्तों राइट आंसर आपके हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, वह इसकी धारा को घटाना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी विभव मापी होगी, अगर हम लोग उसके संवेदनशीलता को बढ़ाएंगे तो दोस्तों इसके बीच का यानी कि धारा को जो है क्या होना चाहिए, घटाना चाहिए। तो राइट आंसर 7 के आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देंगे ताकि वो भी क्लास में ज्वाइन कर पाए। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोलों पर समान आवेश दिए जाते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा कि अलग अलग त्रिज्या है और दो गोला है, उस पर अगर समान आवेश देंगे तो उसके जो विभव होगा वो क्या होगा, यानी कि क्वेश्चन क्या पूछा कि एक छोटा गोला है एक बड़ा गोला है, दोनों पर जो है त्रिज्या जो है दोनों का अलग अलग है, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है इसका जो त्रिज्या है वो बड़ा होगा और इसका जो त्रिज्या वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब इस पर जो है चार्ज जो है वो समान है, यानी कि इस पर भी क्यू चार्ज है और इस पर भी क्यू चार्ज है, तो आप बताइए कि इसमें जो विभव होगा वो किसका ज्यादा होगा, छोटे गोले का, बड़े गोले का, या फिर दोनों गोले का समान रहेगा। 8 के जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे वह छोटे गोले का ज्यादा होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आवेश बराबर हो, त्रिज्या अगर ज्यादा और छोटा यानी कि छोटा और बड़ा हो, तो दोस्तों विभव जो सबसे ज्यादा होता है वो छोटे गोले का होता है। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन यानी कि क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए। ठीक है, 8 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 9, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के। सबसे पहले आपको बता देते हैं, जब भी दोस्तों आप क्वेश्चन बनाने जाओ तो आपके पास जो टोटल 70 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 70 से ओनली आपको 35 ही बनाना। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल जो है बिल्कुल भी नहीं बनाना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक होगा, क्योंकि दोस्तों टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं बचेगा और आप जो है फिर सही सभी प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे सही से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के दो चालक गोले 1 मीटर से वियुक्त है, दोनों पर जो है समान आवेश 1 माइक्रोकूलम दिया गया है, अगर एक गोले का विभव है वी नोट तो अनंत पर 0 है, तो दूरी से संपर्क में लाने की क्रिया किया गया जो कार्य होगा वो कितना होगा। इसके जो राइट आंसर है बिल्कुल आपके हो जाएंगे वह धनात्मक, यानी कि क्या हो जाएंगे दोस्तों, वह पॉजिटिव। चलिए देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होगा, यानी कि क्वेश्चन क्या पूछा कि एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र के द्वारा यानी कि एरिया के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं एरिया के द्वारा कोई कार्य नहीं होता, वो बैठी हुई होती है। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का, यानी कि सी राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन आपके 11, आपके स्क्रीन पर विद्युतशीलता का मात्रक होता है। आपको क्वेश्चन पूछा, इस तरह के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, जब भी आपको इस तरह का प्रश्न पूछे आपको सीधा आंसर लगाना, रट लेना है। इसके राइट आंसर है वो आपके हो जाएंगे फैराडे पर मीटर, यानी कि ऑप्शन बी आपके 11th का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो विद्युतशीलता का जो मात्रक होता है वो फैराडे पर मीटर होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत क्षेत्र, क्वेश्चन पूछा कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसका मात्रक क्या होता है, उसका विमा क्या होता है, इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका जो मात्रक होता है दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है न्यूटन पर कूलम। ध्यान रखिएगा, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है वो एफ बटा क्यू होता है, और एफ जो है वो क्या होता है, न्यूटन, यानी कि फोर्स का जो बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। और वहीं पे अगर हम लोग चार्ज का मात्रक करेंगे तो चार्ज का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो न्यूटन पर कूलम जो है आपका हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है एफ बटा क्यू, और एफ बराबर एन यानी कि इसका मात्रक एन होता है, क्यू बराबर चार्ज यानी कि चार्ज का मात्रक क्या हो गया, आवेश, जिसको हम लोग कूलम से डिनोट करते हैं। तो न्यूटन पर कूलम जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 12 का। देखिए अगला प्रश्न, मैंने अभी आपको बताया कि इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा है। हमने दोस्तों आपको अभी फॉर्मूला बताया कि ई बराबर जो होता है वो एफ बाटा क्यू होता है। एफ बाटा क्यू का मतलब क्या, एफ बराबर आपका फोर्स हो गया जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, और क्यू बराबर चार्ज हो गया। तो ये आपका हो गया मात्रक, ये आपका क्या हो गया, मात्रक यानी कि यूनिट। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछे विमा के बारे में यानी कि डायमेंशन के बारे में, तो आप डायमेंशन कैसे निकालोगे। हम लोग जानते हैं फोर्स का आपको हमेशा जो डायमेंशन है वो याद रखना है, MLT-2। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स यानी कि बल का डायमेंशन क्या होता है, विमा क्या होता है, MLT-2। और हम लोग क्यू बराबर जानते हैं ये होता है IT, क्यू बराबर क्या होता है, फॉर्मूला IT। और IT बराबर जब भी हम लोग निकालेंगे तो इसका जो ये निकलता है यानी कि जो फॉर्मूला निकलता है वो AT निकलता है, जो डायमेंशन निकलता है वो क्या निकलता है, AT निकलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आराम से मतलब कि फॉर्मूला लगा सकते हैं, जब भी हम लोग AT को ऊपर लेके जाएंगे तो A माइनस में हो जाएगा, बिल्कुल जानते हैं, और T भी जो है माइनस में हो जाएगा, यानी कि A-1 T-1। ठीक है, और दोस्तों अगर इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा एम
एल, उसके बाद टी माइनस टू यहाँ पर है, एक माइनस वन यहाँ पर है, ये दोनों जो है जुड़ जाएगा तो हो जाएगा टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ठीक है, इस तरीके से आपका डायमेंशन निकाला जाता है। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन में 13 का। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की विमा होती है, जो डायमेंशन होती है, वो क्या होती है, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। एक प्रोटोन एवं एक इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। क्वेश्चन पूछा कि एक प्रोटोन और एक इलेक्ट्रॉन को एक समान विद्युत क्षेत्र में, यानी कि एक विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो आप बताइए उन पर जो लगा विद्युत बल होगा वो बराबर होगा, या फिर विद्युत बलों के जो परिणाम होंगे वो बराबर होंगे, या फिर जो एक्सेलरेशन होंगे यानी कि जो त्वरण होंगे वो बराबर होंगे, या फिर क्या होगा। बिल्कुल 14 की जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएंगे विद्युत बलों के जो परिणाम है वो बराबर होंगे। ठीक है, तो एक प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत बलों के जो परिणाम होंगे वो बराबर होंगे। 14 के राइट आंसर आपके ऑप्शन भी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। आपको क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, आवेश, धारिता, विद्युत तीव्रता, या फिर इनमें से कोई नहीं। 15 को जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे दोस्तों वह है विद्युत तीव्रता का। ठीक है, तो इसका जो सदिश राशि निम्न में से कौन है, विद्युत तीव्रता। राइट आंसर आपके 15 का सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदर्श मीटर का यानी कि आइडियल एमीटर का जो प्रतिरोध होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, वो कितना होता है, शून्य होता है, बहुत कम होता है, या फिर बहुत अधिक होता है, फिर अनंत होता है। 16 को जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे वह शून्य होता है। ठीक है, तो आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है, वो कितना होता है, शून्य होता है। 16 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक है। आपको क्वेश्चन पूछा ये जो प्रतिरोधकता ताप गुणांक है इसका एसआई मात्रक क्या होता है। इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएंगे पर केल्विन। तो बिल्कुल प्रतिरोधकता का जो ताप गुणांक का जो एसआई मात्रक होगा वो क्या होगा, पर केल्विन होगा। 17 का राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 आपके समक्ष, आपके स्क्रीन पर। यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक का जो मान होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, या फिर समान रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्वेश्चन पूछा अगर ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देंगे तो जो प्रतिरोधकता गुणांक का जो मान होगा वो क्या होगा, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे लगभग समान रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रतिरोधकता का मान बढ़ाने पर क्या होता है, ये ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे तो प्रतिरोधकता जो गुणांक है, प्रतिरोधकता का जो गुणांक है वो क्या रहेगा, लगभग समान रहेगा। 18 का राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19। स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप क्या होता है। अगर हम लोग स्विच ऑन कर देंगे कोई भी बल्ब, जैसे कि आप रेड बल्ब को देखते होंगे, कोई भी बल्ब को देखेंगे घर में लगा हुआ होगा, अगर हम लोग उसको ऑन कर देंगे यानी कि बल्ब अगर जलने लगेगी तो उसका जो ताप होगा वो क्या होगा, बढ़ते रहेगा या फिर घटेगा, यानी कि शुरू शुरू में बढ़ेगा फिर घटेगा, या फिर शुरू में घटता है फिर बढ़ता है, फिर तब बढ़ता है फिर स्थिर हो जाता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। शुरू शुरू में जो है ताप बढ़ता है फिर स्थिर हो जाता है। अगर वो बढ़ते रहेगा तो क्या होगा, फट जाएगा, या फिर शुरू में अगर बढ़ेगा बाद में घटेगा ऐसा तो होता नहीं है, गर्म रहता है, और शुरू में घटता फिर बढ़ता ऐसा तो होता नहीं है, शुरुआत से ही बढ़ने लगता है, तो क्या होगा, शुरू में बढ़ता है और फिर एक समय के बाद स्थिर हो जाता है। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। 3 लेंस जिनकी फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर माइनस 30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, एक दूसरे से ये जो है कांटेक्ट में है यानी कि सटे हुए है, तो इसके जो संयोजन की फोकस दूरी, फोकस लंबाई होगी वो कितनी होगी। बिल्कुल इसको जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपके राइट आंसर आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21। दो उत्तल लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में है। आपको क्वेश्चन पूछा कि दो उत्तल लेंस है जो कि एक दूसरे के क्या है, संपर्क में है, तो आप बताइए इसका जो समतुल्य लेंस होगा वो अवतल, समतल, अवतल या फिर बेलनाकार। तो क्वेश्चन क्या पूछा कि दो उत्तल लेंस है जो कि एक दूसरे के संपर्क में है, इसका जो समतुल्य लेंस होगा वो क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे वह उत्तल लेंस। ध्यान रखिएगा 21 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। आपको क्वेश्चन पूछा ये जो ऑप्टिकल फाइबर है वो कौन से प्रिंसिपल पर, कौन से सिद्धांत पर काम करता है, परिकीर्णन पर, अपवर्तन पर, वर्ण विक्षेपण पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। बिल्कुल 22 के जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, बिल्कुल पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23। दो लेंस जिनकी क्षमता -15D तथा +5D है, इसको संयुक्त कराने पर जो संयोजन की फोकस दूरी होगी वो कितना होगी। बिल्कुल 23 की जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपके हो जाएंगे -10 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा दो लेंस जिसकी क्षमता अगर इतना दिया हुआ हो तो इसको अगर संयुक्त करेंगे जिसको जो संयोजन की फोकस दूरी होगी वो -10 सेंटीमीटर होगी। 23 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 24। सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शक दोनों में से किसके लेंसों की फोकस दूरियों में अधिक अंतर होगा। ठीक है, एक आपका सूक्ष्मदर्शी है, एक आपका दूरदर्शी है यानी कि दूरदर्शक है, इन दोनों लेंसों में किसकी फोकस दूरी जो है वो यानी कि
अलग होता है, यानी कि डिफरेंस होता है, अंतर होता है किसमें? 24 के जो राइट आंसर दोस्तों बिल्कुल आपके हो जाएंगे वह दूरदर्शक, ऑप्शन आपके ए 24 का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 आपके सिन पर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर होगा। क्वेश्चन क्या पूछा कि 1000 वाट हीटर के द्वारा जो उत्पन्न टेम्परेचर होगा, जो ताप होगा, वो 2 मिनट में किसके बराबर होगा। ठीक है, बिल्कुल 25 के जो राइट आंसर वो आपके हो जाएंगे 12 × 10³ जूल। क्या हो जाएगा? 12 × 10³ जूल, ये जो है आपका 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न 2 मिनट में बराबर होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 26, तप्त तार एमिटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, यानी कि क्वेश्चन क्या पूछा, ये जो तप्त तार एमिटर है वो क्या मापता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का क्या मापता है, उच्चतम मान को, औसतम मान को, मूल औसत वर्ग धारा को, या फिर इनमें से कोई नहीं। 26 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपके हो जाएंगे वो है औसत मान को। ध्यान रखिएगा, तप्त तार एमिटर जो है वो क्या मापता है, प्रत्यावर्ती धारा का औसतम माप को मापता है। राइट आंसर 26 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 27, किसी ऊंचाई स्टेप अप ट्रांसफर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तब क्या होगा। फिर से वही क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया, यानी कि क्या पूछा कि प्राइमरी में यानी कि N1 में आपका जो है एक तार लपेटा हुआ है और सेकेंडरी यानी कि N2 में आपका तार लपेटा हुआ है। हमने आपको ये क्वेश्चन कई बार करवाया, ये आपका हो गया N1 जो पहले लपेटा हुआ है और ये आपका हो गया N2। अब आप बताइए N2 ज्यादा बड़ा होगा या फिर N1? ऑब्वियसली बात है राइट आंसर आपके 27 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, N2 जो है वो बड़ा होगा क्योंकि N2 को बाद में लपेटा गया है और जो बाद में लपेटेगा वो ज्यादा एरिया लेगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे, N2 इज ग्रेटर देन N1, N2 बड़ा है N1 से। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 28, उदग्र तल में चालक तार की जो वृत्तकार कुंडली रखी गई है। क्वेश्चन क्या पूछा कि उदग्र तल है उसमें चालक तार की वृत्तकार कुंडली रखी हुई है, इसकी ओर एक छड़ चुंबक लाया जा रहा है, चुंबक की उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है, चुंबक की तरफ देखने पर कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा होगी। तो सिंपल एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इसके जो राइट आंसर है वो आपके जाएंगे वाम ओर। ठीक है, राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा कि एक सीधा चालक छड़ है जो कि पूर्व पश्चिम की ओर क्या रखा गया, क्षैतिज रखा गया है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा। सुनिए रहेगा, बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, या फिर इसकी दिशा बदलती रहेगी। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे बढ़ता जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाए तो इसके जो सिरों के बीच जो विभवांतर होगी वो क्या होगा दोस्तों, बढ़ती जाएगी। 29 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के फलस्क की एसआई मात्रक होती है। क्वेश्चन आपको पूछा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी फलस्क की जो एसआई मात्रक होगी वो क्या होगी, टेस्ला, यानी कि इकाई क्या होगी, एसआई मात्रक। ठीक है, टेस्ला होगा या फिर हेनरी होगा या फिर वेबर होगा या फिर जूल सेकेंड होगा, इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। बिल्कुल इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है वेबर। ध्यान रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र के फलस का जो एसआई मात्रक होता है वो वेबर होता है। राइट आंसर 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 31, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि एक गैल्वेनोमीटर है उसको अगर हम लोग वोल्ट मीटर में परिवर्तित करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, समांतर में उच्च प्रतिरोध या फिर श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ना पड़ेगा, या फिर श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ना पड़ेगा, या फिर आपका समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ना पड़ेगा। इस तरह के प्रश्न देखिए आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न आपको हर समय पूछा जाता है। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको हो जाएंगे श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। ठीक है, तो अगर हम लोग गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर पर आप करेंगे, गैल्वेनोमीटर से ठीक है अगर परिवर्तित करेंगे यानी कि बदलेंगे, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल हम लोगों को करना पड़ेगा श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 32 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वोल्ट मीटर को एमीटर में बदला जा सकता है। पहले आपको क्या पूछा, पहले पूछा कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वोल्ट मीटर को अगर एमीटर में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसके जो राइट आंसर है बिल्कुल आपके हो जाएंगे, इसे समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध में जोड़ना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध में अगर जोड़ेंगे तो गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर प्राप्त होगा, और अगर हम लोग वोल्ट मीटर से एमीटर को प्राप्त करेंगे तो हम लोगों को समांतर क्रम है यानी कि ऑपोजिट समांतर क्रम और निम्न प्रतिरोध को जोड़ना पड़ेगा। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 32 का। अब देखिए अगला प्रश्न, अभी हमने आपको करवाया कि एक आदर्श प्रतिरोध का जो प्रतिरोध होता है, एक आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, बिल्कुल हो जाता है वो है 0 यानी कि डी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, एक आदर्श वोल्ट मीटर का, अभी आपको क्या पूछा, ये एमीटर का, ध्यान रखिएगा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए मैं दोनों क्वेश्चन को साथ में लाया हूं। एक आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है, जो रेसिस्टेंस होता है, वो 0 होता है, 0 होता है, लेकिन अगर एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध आपको पूछ दे तो बिल्कुल आपको जो राइट आंसर लगा देना है वो है इन्फिनिटी, ऑप्शन सी यानी कि अनंत। ठीक है, तो एमीटर आपको क्वेश्चन पूछ दिया एमीटर वाला, एक आदर्श एमीटर वाला, तो वो हो जाएगा 0, और जो वोल्टमीटर वाला होता है आदर्श वोल्टमीटर वाला, वो आपके हो जाएंगे अनंत। ये दोनों चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 35,
चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है। आपको फिर से वही क्वेश्चन पूछा जा रहा, फटाफट आप लोग आंसर देंगे, अभी मैंने करवाया, बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे वो है टेस्ला। ठीक है, तो चुंबकीय बल क्षेत्र का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। और अभी वेबर के बारे में मैंने बताया, बताइए वेबर किसका मात्रक है, फटाफट बताइए आप लोग, अभी हमने आपको करवाया, किसी की भी गलती नहीं होना चाहिए। देखिए चुंबकीय क्षेत्र के फलस की जो एसआई मात्रक है वो वेबर होती है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र के फलस की जो एसआई मात्रक होती है वो वेबर होती है। और यहाँ पर क्वेश्चन था कि चुंबकीय बल यानी कि चुंबकीय फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, इसकी जो क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है वो आपके टेस्ला हो जाता है। ठीक है, तो चुंबकीय फलस और चुंबकीय बल ये दोनों चीज में काफी डिफरेंस है और दोनों का मात्रक भी जो है बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो दोस्तों आज की सीरीज में हम लोगों ने टोटल 35 क्वेश्चन को किया जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये सभी प्रश्न में से जो भी क्वेश्चन आपका नहीं बना होगा प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको एक्स्ट्रा में करवाया था जो कि अक्सर पूछे जाते हैं और स्टूडेंट गलती कर देते हैं, तो चीज ध्यान रखिएगा, जब भी वाई बराबर ए प्लस बी हो जाए तो आपको वाई बराबर ए तथा बी के देना है, ना कि ए प्लस बी के योग के, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, तो बहुत मजा आया, प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस क्लास का आनंद उठा पाए। थैंक यू सो मच।